शरीर में ताकत कैसे बढ़ाएं। दोस्तों, आजकल के युवाओं के अंदर ताकत की कमी आती जा रही है, जबकि पहले के समय के लोग इतने ताकतवर होते थे कि वो शेर से भी भिड़ जाते थे और विजयी होते थे। प्रोफेसर राममूर्ति जी को आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो अपनी छाती पर हाथी तक को खड़ा कर लेते थे। दारा सिंह में इतना बल था कि वो अपने जीवन में एक भी कुश्ती नहीं हारे। महाराणा प्रताप इतने बलशाली और पराक्रमी थे कि अकबर भी उनकी युद्ध कौशल के कायल थे। महाराणा प्रताप 208 किलो का वजन लेकर पूरे पूरे दिन युद्ध में लड़ते थे और थकते भी नहीं थे। महाराणा प्रताप ने दिवेर युद्ध के दौरान बहलोल खान के सिर पर अपनी तलवार से ऐसा जोरदार वार किया कि बहलोल खान के सिर और घोड़े समेत तक को चीर दिया। शौर्य का यह उदाहरण इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है। उनके पुत्र अमर सिंह ने भी अपनी बर्छा से सुल्तान खान और उसके घोड़े को एक ही बार से चीर दिया था। ये सभी लोग नेचुरल तरीकों को अपनाकर शरीर को बलवान बनाते थे। इनका पहला जो आहार था वो था गाय का देसी घी। देसी घी के विषय में आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि घी के अंदर मांस से 8 गुना ज़्यादा ताकत होती है। हमारे वेदों का कहना है कि देसी घी हमारे ओजस को बढ़ाता है। जिस व्यक्ति के अंदर जितना ज़्यादा ओजस होगा वो उतना ही ज़्यादा बलशाली होगा। चरक संहिता में लिखा है कि घी बात पित्त कफ को मेंटेन करके रखता है। घी हमारी पाचन शक्ति की जो अग्नि होती है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं, उसकी अग्नि को बढ़ाता है, जिससे हमारा भारी से भारी भोजन भी आसानी से पच जाता है। दूसरे नंबर पे है अश्वगंधा, जो कि प्राचीन समय से इस्तेमाल होता हुआ आया है। इसे हमारे प्राचीन ऋषि मुनि इस्तेमाल किया करते थे, क्योंकि दिन में हम जो भी काम करते हैं उससे हमारी ऊर्जा छीण होती है, लेकिन अश्वगंधा के इस्तेमाल से वो सारी ऊर्जा हमें मिल जाती है। ये हमारे शरीर को पुनर्जीवित करने में मदद करता है। जिनमें ताकत की कमी है वो इसका इस्तेमाल करें। जैसा कि इस पुस्तक में लिखा है कि अश्वगंध, शतावरी, सफ़ेद मुसली, केवांच के बीज, शकाकुल, साल मिश्री और बीजबंद, दो दो तोला, सब कूट पीस, महीन चूर्ण कर शाम सवेरे 6-6 माह भर गाय के दूध के साथ खाएं, 2 महीना सेवन करने से प्रमेह, निर्बलता, शीघ्र पतन दोष दूर होता है और शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, ये है मैन स्वयर का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, जो कि फुल्ली आयुर्वेदिक है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है और इस प्रोडक्ट की एक खास बात यह है कि हमारे शरीर में ताकत को बढ़ाता है और साथ ही टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करता है। ये स्टेमिना को बढ़ाता है और मसल्स ग्रो भी करता है और ये हेयर फॉल को भी कम करता है। इसमें है गोखरू बड़ा, ताल मखाना, सफ़ेद मुसली, बान्या काहू, जीवंती, अश्वगंधा, कौंच के बीज, उटगन बीज आदि का मिश्रण इसमें ऐड है। इसे लेने का तरीका एकदम सिंपल है। आप सुबह और शाम इसके एक एक कैप्सूल को पानी या दूध के साथ ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट की आपको आदत भी नहीं पड़ेगी। आप इसे ऑर्डर भी करवा सकते हो, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, भले ही आप कितनी ही अच्छी डाइट क्यों ना ले लें, अगर आप अपनी ऊर्जा को बचाते नहीं हैं तो आपका खाया पिया सब व्यर्थ है। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप ब्रह्मचर्य में रहें। अगर ब्रह्मचर्य का नाश करते रहोगे तो भले ही आप कुछ भी खा लेना, शरीर को अंदर से खोखला होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे। ब्रह्मचर्य के बल पर ही अर्जुन ने कौरव सेना का संहार किया था। भीष्म 10,000 सैनिक डेढ़ी महाभारत में मार देते थे ब्रह्मचर्य के बल पर। ब्रह्मचर्य के बल पर ही लक्ष्मण जी ने मेघनाथ को मारा था। ब्रह्मचर्य की वजह से ही हनुमान जी को महावीर के नाम से बुलाते हैं। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। इसीलिए नियम संयम के साथ ब्रह्मचर्य में रहकर योगा, प्राणायाम, व्यायाम, मेडिटेशन को करें, 2 महीने में आपका शरीर बदलकर बलवान बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ब्रह्मचर्य में अतुलित बल होता है, इसीलिए ब्रह्मचर्य का निष्ठापूर्वक पालन करें। जय श्री राम।